नमस्कार, जय जगन्नाथ। सो एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन आसला ये जस्ट टिके आगु एसएससी सीजीएल टीयर टू एग्जाम सर 2022 काफ़ी हेवी वैकेंसी थिला और तुमने एग्जाम बहुत जन अटेंड कर जो मर एग्जाम खराब जाइला आउ जो मर टीयर वन भी यही नाला टेनसन नवार ना ये 23 वैकेंसी आसीगला जार एग्जाम जुलाई में हमारे अच्छी कौन रही एथर पैटर्न केते अच्छी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन अच्छी और एज लिमिट कौन अच्छी तास और डिटेल सिलेबस को यही सेसन में डिस्कस करियो। तो वीडियो को स्टार्टिंग रू एंडिंग पर्यटन नियत देख सब जिनस ये मिल जाए तो मुझे सहित ऑफिशियल साइट शेयर करी ऑफिशियल साइट रे ये तुमने समस्त देखिपार हियर इट इज आज नोटिफिकेशन नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ये क्लिक कलापर तुमने पीडीएफ गोटे पाइबा एंड दैट पीडीएफ इज हियर मुझे ऑलरेडी जोटा डाउनलोड करके रखी सो मु बीट बाय बीट सब जिन कहीदेवि तो ये एक थर भलसे देखीदि सब जिन जानपर क्लीयर हो तो ये आमर अच्छी 2023 एग्जाम आउ डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ तीन आज स्टार्ट होटा मे मस जाए एप्रिल तीन रु मे तीन जाए ओके लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/5 लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 4/5 ओके डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भी 4/5 एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान इज 5/5 आई थिंक समस्त ऑनलाइन पे कर सो नो नीड टू सो जिते जल्दी ही पारियो फॉर्म फिल कर दियो इफ यू हैव डिसाइडेड देन गो फॉर इट काली पर दिन दि तीन दिन भितर डेट्स ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इनक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट तार गोटे करेक्शन भी गोटे विंडो ओपन हम दैट इज से 7 to 8 दुई दिन भितर टेंटेटिव डेट टीयर वन रो ऑलरेडी एसएससी रो जो आसीला कैलेंडर जुलाई मेंशन कर तो जुलाई 2023 एंड टीयर टू टा टू बी नोटिफाइड लेटर तो जुलाई मस एग्जाम तो यहाँ अप्रैल मे जून माने दुई मस ऑलमोस्ट तीन मस अच्छी जुलाई रे एग्जाम ओके तो गवर्नमेंट टू हैव अ वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई सो ए जिनस पूरा मेनसन कर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विल होल्ड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 फॉर फिलिंग अप द वेरियस यू नो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट बहुत जन डाउट रहा है कौ ग्रुप रे रुए तो ग्रुप बी और ग्रुप सी है इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी ट्रिब्यूनल्स तो डिटेल पोस्ट को यदि आसवा आम पे लेवल 847,600 आउ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सब यू नो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड वाला सॉरी नॉन मिनिस्ट्रियल वाला एटा 18-30 वर्ष जो मानकर अछि से माने अप्लाई करि परिबे या पई किछि अछि यू नो एग्जाम लेवल ऑफ एग्जाम रे भी किछि अछि सेटा म तुम मानको जानि देबे। नेक्स्ट जोटा हमें नॉर्मली अप्लाई करन दिया सेक्शन ऑफिसर जो डिफरेंट रहला डिफरेंट डिफरेंट ये भीतर तार सब एज लिमिट देछि देखो 20-30, 18-30 तो जो भी पोस्ट पई अप्लाई करिवो ताको देखि देबो तुम माने ठीक अछि। तो नेक्स्ट आउ गोटे अच्छी पे लेवल 6 रे एटा गोटे जो थे 18-30, 18-32 भी गोटे अच्छी 18-32 वर्ष जो मैंने भी अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ओके ये ग्रुप बी अच्छी और ग्रुप सी पाई ये सब द कमिशन मेक्स फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रिफरेंस ऑफ पोस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट्स एंड वंस अ पोस्ट इज अलॉटेड नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड सो एटा आई थिंक एटा समस्त जानी छो राइट। नेक्स्ट ईयर एटी किछ नहीं कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स ऑफिसर विल बी इलेक्टेड टू वेरियस ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज रिक्वायर्ड तो वैकेंसी कटा एटी देखो अप्रोक्सीमेटली 7,500 वैकेंसीज ओके तो नो डाउट काफी बढ़िया वैकेंसी अच्छी। हाउएवर फार्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स updated vacancies if any along with post wise and category wise vacancies will be made available on the website so 7500 vacancy bile badhiya chance achi go for it guys then ame asiba qualify jo basic jo qualification needed and basic age limit to age limit already dekhi sacho age limit ro आउट टी डिटेल इडी देची जो 18-32 वाला रो कौन केते वर्ष माने को ईयर पर टू होबा दरकार तो 1993-1996 वाला 27/1996 पर जो 2/8 को माना जाइछ तार बेस ये टाको को 30 वर्ष जो माने 1993-2/8 रो तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी अछि एससी एसटी मानको पई 5 वर्ष
ओबीसी तीन वर्ष जमी नॉर्मल रुए यहाँ ओके तापरे आसवा आम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन आई थिंक जो मैंने एक्स सर्विसमैन यू ऑल नो अबाउट दिस एंड आम जो जीवा नेक्स्ट वन सेकेंड यस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफरेंट पोस्ट पाइंट के डिफरेंट अच्छे कौन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो फर्स्ट दुटा था बैचलर्स ऑफ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एसेंशियल डिजायरेबल कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स एंड मास्टर एटा डिजायरेबल राइट सो जो मानकर ए क्वालिफिकेशन थी से मानको ठीक तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट्स शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्जाम इन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस सो तार भी गोटे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पाई बैचलर्स ऑफ डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल तो 12th रे 60% मैथ्स रे थिबा निहाती आवश्यक और बैचलर्स ऑफ डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल स्टैटिस्टिक्स या तो तुम बैचलर्स डिग्री जो ग्रेजुएशन तुम स्टैटिस्टिक्स थिबा दरकार देन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू पाई जोटा अच्छी रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन पाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन ओके नेक्स्ट द कैंडिडेट हू हैव अपीयर्ड इन द इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई जो मैंने फाइनल ईयर रे अच्छा से मैंने अप्लाई हाउ एवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट दैट इज तो जो फाइनल एग्जाम तुम अच्छी तो 1-8 आगर सरी जावा दरकार मैंने अगस्ट मस आगर सरी जावा दरकार यहाँ तरह नोटिफिकेशन अच्छी बाकी नेक्स्ट अप्लाई कर ssc.nic.in साइट रू रजिस्टर करके एप्लीकेशन फीस 100 rupees एंड वुमेन कैंडिडेट्स यू नो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन एक्जेम्प्टेड फॉर फ्रॉम फी फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह सर तो समस्त जान ओके करेक्शन कथा तो ऑलरेडी हमें डिस्कस कर सकते सेंटर फॉर एग्जामिनेशन यहाँ सेंट्रल रीजन ईस्टर्न रीजन आम जो रीजन को अप्लाई करके चाहो तुमने आम तो नॉर्मली ईस्टर्न रीजन में आसो तो ईस्टर्न रीजन में तुम्हें जब देखो आमर भुवनेश्वर अच्छी ब्रह्मपुर अच्छी बालेश्वर अच्छी ओके राउरकेला कटक संबलपुर तो यही सब जगह रे तुमने तो जिते जल्दी तुम अप्लाई कर से जल्दी तुम डिजायरेबल यू नो सेंटर पाइव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को जी आस कंप्यूटर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू टायर्स तो टीयर वन एंड टीयर टू दीटा लेवल एग्जाम हम मार्क्स कोड बाय यू नो कैंडिडेट्स बाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज तो नॉर्मलाइजेशन तार अच्छी नॉर्मलाइज टेंटेटिव आंसर की भी आसीज कैंडिडेट्स मे गो थ्रू द आंसर कीज एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन इफ एनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ 100 पर क्वेश्चन जदि तुम को क्वेश्चन का आंसर तुम्हें जब सर अच्छा जब भूल अच्छी तेल तुम ताको चैलेंज भी कर पार नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट थिंग गाइस स्कीम ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन जो देखियो टीयर वन रे हमरो जीएस अच्छी सॉरी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रीजनिंग रो 25टा क्वेश्चन 50 मार्क एटा आगर भी सेमिति थिला जनरल अवेयरनेस 25टा क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25टा क्वेश्चन 50 मार्क और इंग्लिश 25टा क्वेश्चन 50 मार्क टोटल 200 मार्क रो पेपर गोटे घंटार एग्जाम 1 hour 20 minutes फॉर यू नो PWD जोटा मेंशन अच्छी टीयर वन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन The question will be said both in English and Hindi except for English comprehension. There will be negative marking of 0.50. So, 25% marks will be deducted as a penalty. Joda tumara normal exam re yes. Tier 2 very important guys. Here you can see tier 2 re gute achi paper 1. Okay. Aau gute achi paper 2, paper 3. So, paper 1 re section 1 re achi tumara module 1 and module 2. जोटा पूर्व वर्ष चेंज होता बेले गोटे अच्छे मैथमेटिकल एबिलिटी गोटे अच्छे रीजनिंग तीसटा क्वेश्चन षाठीटा क्वेश्चन तीन मार्क लेखा गोटे क्वेश्चन 180 मार्क गोटे घंटा रही है फॉर ईच सेशन तो यू नो सेक्शन वन गोटे घंटा तुम रही नेक्स्ट सेक्शन टू रे अच्छे इंग्लीश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन विथ जनरल अवेयरनेस 45 क्वेश्चन इंग्लीश रु रही है एंड जनरल अवेयरनेस 25टा क्वेश्चन एटी विथ 70टा क्वेश्चन तुम तीन मार्क लेखा 210 मार्क तो ये हो गला 390 मार्क पेपर ठीक अच्छे नेक्स्ट
सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री अच्छी कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल कोड़ेटा क्वेश्चन रही षाठी मार्क तो यू कैन सी 390 आठी 450 मार्क टोटल हो गला तुम 450 मार्क एपट नेक्स्ट ये जो सेशन टू हम 15 मिनिट यहाँ सेक्शन थ्री जो अच्छे डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल सेशन टू रे एटा वन डाटा एंट्री टास्क एटा समस्त आई थिंक समस्त रहा जान तुमने नेक्स्ट पेपर टू स्टैटिस्टिक्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट ये आसपा एंड पेपर थ्री जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स तो ये देखो टीयर टू विल इनक्लूड पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री सेपरेट शिफ्ट्स और डेज पेपर वन इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट पेपर टू विल बी ओनली दोज पेपर टू माने जो स्टैटिस्टिक्स था दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू इन द ऑफिस ऑफ एंड पेपर थ्री फोर यू नो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन टीयर वन फॉर पेपर थ्री दैट इज पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर सो एटा समस्त जान बाकी कॉमन पोस्ट पाई हमारा जो पेपर वन जो तीन टा सेक्शन जो सेक्शन वन सेक्शन टू आउ सेक्शन थ्री जो रहा तास सेक्शन टू ओके तो पेपर वन जोटा देखिए तो ऑलरेडी हमें देखो टू मॉड्यूल्स पेपर वन सेक्शन वन रहा सेक्शन टू सेक्शन थ्री ऑलरेडी हमें देख लु एटा तो तापर यार डिटेल सिलेबस अच्छी डिटेल सिलेबस को आस तो डिटेल सिलेबस तुमने गो थ्रू हो पार मुझ यार गोटे सेपरेट वीडियो बनेबी केमी कौन कौ चैप्टर को पढ़ा दरकार भलसे कौ चैप्टर को इंपोर्टेंट दबा दरकार पूर्व वर्षर क्वेश्चन को बेस करकी आम एटा गोटे डिस्कस करवा नेक्स्ट ओके सो हियर इट इज आई होप ये जिनस तुमको पूरा क्लीयर हो गला किसी जो डाउट रहा तुमने मत सेयर कर मु आई विल बी हैप्पी टू यू नो एक्सप्लेन यू द डाउट्स जिते भी डाउट रोक तुम डाउट को एंटरटेन करीडियोटा इनफर्मेटिव लगी तो निहाती निज सांग सहित सेयर कर बाकी पिलाने भी अप्लाई करूँ से भी बेनिफिटेड हूँ ठीक अच्छे आउ नेक्स्ट इयर अपडेट मुझे चैनल सेयर करदेवी जो मैंने सब्सक्राइब करना पर्यटन चैनल को डू सब्सक्राइब गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।